झाबुआ भाजपा जिलाध्यक्ष के पद के लिए सरल मिलनसार समाजसेवी और भाजपा के बड़े नेता राजू धानक ने पेश की अपनी दावेदारी। न्यूज 99 जिला ब्यूरो राजेश डामर ने की राजू धानक से सीधी बात। नमस्कार मित्रों, न्यूज 99 में मैं राजेश डामर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। झाबुआ जिला राजनीति का एक गढ़ है, आदिवासी बहुल जिला क्षेत्र माना जाता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का इसमें ज़्यादा महत्व है, ज़्यादा संख्या में यहाँ पे इस समाज के लोग उपस्थित हैं। वोट बैंक काफ़ी बड़ा है। इसी बीच में भाजपा जिला अध्यक्ष की जो बातें चर्चा चल रही है उसमें कई गद्दावर नेता उसमें उपस्थित हैं, कई भागदौड़ में उसमें शामिल है। उसी के बीच का एक हिस्सा राजू धानक, जो भाजपा के एक बड़े नाम में जाना जाता है, उनको अनुसूचित जाति मोर्चे के कई पदों पर आसीन है। 1980 से इन्होंने संघ का दायित्व संभाला और 1985 से ये भाजपा की सदस्यता लिए हुए हैं और कई बड़े पदों पर आसीन हैं। जिला अध्यक्ष की दौड़ में ये भी शामिल हैं। भोपाल तक इन्होंने इस संबंध के लिए, इनके व्यवहार के लिए इन्हें जाना पड़ा और कई मीडिया के लोग भी इन्हें इस हेतु पसंद करते हैं। झाबुआ थानला कई जगह परिचित हैं और हर सेवा के काम में ये अग्रणी होते हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे अध्यक्ष पद के लिए इनके मन में ये ख्याल कैसा आया और यदि अध्यक्ष बनते हैं तो क्या इनकी क्या प्राथमिकता रहेगी, हम बात करेंगे। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं आप सबका ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आए और आज अग्रिम गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई दे रहा हूँ पूरे जिलेवासियों को और क्षेत्रवासियों को और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई, शुभकामना अग्रिम गणतंत्र को 26 जनवरी की। और मैं जिस आपने ये सवाल करा, बहुत अच्छा कर सवाल किया और मैं भारतीय जनता पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता होते हुए कार्यकर्ता के तौर पर मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक अंतिम खड़ा होने का प्रयास करा है। जिला अध्यक्ष की दौड़ में मैंने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करा है। अब संगठन के जो निर्णय हुआ मुझे सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। अच्छा, ये बताइए कि अपन गत पिछले 4 वर्षों में अगर देखें तो यहाँ पर सामान्य का आधिपत्य ज़्यादा रहा है भाजपा की जिला अध्यक्ष पद पर। अगर अपन देखें, शैलेश जी दुबे लगातार 5 वर्ष तक जिला अध्यक्ष रहे, उनके कार्यकाल में काफ़ी मजबूत रहा भाजपा। उसके बाद दौलत जी भावसार रहे, उन्होंने भी अच्छा काम किया। उसके बाद मनोहर जी सेठिया रहे, वो कई किसी विवाद के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद ओम जी शर्मा, अगर माना जाए तो ST SC का जो क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कि बहुत कम ऐसे अवसर मिले जिसमें ST SC के उम्मीदवारों को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। आप SC प्रकोष्ठ से आते हैं, SC के कई बड़े पदों पर आप आसीन हैं और आप भी प्रयास कर रहे हैं, तो बताइए कि यदि आप जिला अध्यक्ष बनते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? सभी जिलाध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके मार्गदर्शन में उनकी जो काम कुछ अधूरा रह गया है उसको उनके मार्गदर्शन में पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा और भारतीय जनता पार्टी का वो मजबूत से मजबूत होने, जितनी भी मजबूती होगी हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी आसीन पद में जाता है। आज हमारे JP Nadda राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, एक मतलब छोटा सा कार्यकर्ता के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हमें मेरी सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला झाबुआ और इंदौर संभाग की तरफ से उनको हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ और नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का प्रचलन लहराएगा और हम पूरा उनका सहयोग करेंगे। एक छोटे से कार्यकर्ता भी मतलब बूथ स्तर पर भी पार्टी की जनकल्याण योजना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी की भी बहुत सारा काम करा भारतीय जनता पार्टी में और अच्छा लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लेकर पार्टी को और राष्ट्र का नाम रोशन किया है और पार्टी का भी नाम पार्टी का गौरव बढ़ाया है। मैं मोदी जी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय मोदी जी को नेतृत्व में राष्ट्र विश्व में एक नाम
एक अलग पहचान होगी। अच्छा राजू जी, ये बताइए, आप हमेशा सामाजिक कार्य में अग्रणी रहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में यदि माना जाए तो आपको सबसे पहले देखा जाता है और आपकी एक्टिविटी बिल्कुल एक सक्रिय नेता, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहती है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मेरे पिताजी की देन है, उनका आशीर्वाद है और उन्होंने जो संगठन सामाजिक संगठन में जो काम करा है और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जनक रहे हैं और जनसंघ के संस्थापक रहे हैं, तो उनकी प्रेरणा से मैंने और वरिष्ठ नेता है उनकी प्रेरणा से मुझे ये प्रेरणा मिली और शक्ति मिली मुझे। तो मित्रों, ये थे राजू जी धानक, भाजपा जिला अध्यक्ष की दौड़ में सबसे अग्रणी हैं। आप देखें कई समाचार पत्रों में सबसे प्रमुख नाम इनका चल रहा है, ऐसे कई ऐसे उम्मीदवार हैं, विश्वास जी सोनी, दौलत जी भावसार और राजू जी धानक, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक राजनेता भी हैं, जो एक सरल स्वभाव से माने जाते हैं, पूरे क्षेत्र में इनको एक सरल स्वभाव का व्यक्ति माना जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सपना देख रहे हैं वो सपना इनका साकार रहे और आप बने रहे न्यूज़ 99 के साथ, राजेश डामर और मेरे कैमरामैन उपिन, धन्यवाद, जय हिंद।